पाकिस्तान इस वक्त भारत के खिलाफ समंदर में ऐसा साम्राज्य तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं जिसके निशाने पर भारत है। साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ है कि चीन ग्वादर पोर्ट पर जंगी जहाज और पनडुब्बियां तैनात कर रहा है। समंदर में चीन के इस चक्रव्यूह पर हिंदुस्तान की कड़ी नजर है। इंडियन नेवी ने साफ किया है कि ग्वादर पोर्ट पर हो रही हर नापाक हरकत को लेकर भारत पूरी तरह से अलर्ट है। ग्वादर पर समुद्री साजिश में जुटा चीन। ड्रैगन के नापाक मंसूबों पर हिंदुस्तान की कड़ी नजर। समंदर में साम्राज्य के लिए प्लान बना रहा है चीन। चीन के पैतरे पर पलटवार के लिए तैयार है भारत। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर समुद्री साजिश रच रहा है। पिछले कुछ समय में चीन की एक परमाणु पनडुब्बी सहित 6 पनडुब्बी हिंद महासागर में देखी गई हैं। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने किया है। लांबा के मुताबिक पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन की नौसेना की मौजूदगी देखी गई है और उनके इस मूवमेंट पर भारतीय नौसेना पैनी नजर बनाए हुए है। एडमिरल लांबा ने कहा कि भारतीय नौसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। जब भी कोई पाकिस्तानी शिप और सबमरीन इंडियन ओशन रीजन में एंटर करते हैं, हम उस पर निगरानी रखते हैं एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी कंटिजेंसी एंड वी कीप मॉनिटरिंग देयर डिप्लॉयमेंट। नेवी चीफ ने कहा कि हमने उन पर नजर रखने के लिए एयरक्राफ्ट और शिप की मदद से निगरानी अभियान लॉन्च किया है। उन्होंने साल 2012 में ही इस इलाके में पनडुब्बियों की तैनाती शुरू की है। चाइनीज सबमरीन इंडियन ओशन रीजन में 2012 से डिप्लॉय आई हैं। अब उनकी 6th सबमरीन डिप्लॉयमेंट है इस साल। दरअसल नेवी चीफ के बयान के पीछे कई वजह है। चीन हिंद महासागर और अरब महासागर में अपनी मौजूद पैठ बनाना चाहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। चीन को पता है कि वो अपने नापाक मंसूबों में तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक उसकी राह में भारत मौजूद है। देश की सुरक्षा के लिहाज से ये वो संवेदनशील समुद्री इलाका है जहां भारत का दबदबा हमेशा से कायम रहा है। हालांकि भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के उस दावे को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने ग्वादर पोर्ट के पास अपनी पनडुब्बी तैनात की है। नेवी चीफ लांबा ने कहा कि ऑपरेशनल जरूरतों को देखते हुए पनडुब्बियों की तैनाती की जाती है और आगे भी की जाती रहेंगी। उरी के इंसिडेंट के बाद नौसेना के जहाज सबमरीन और एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हैं और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट इन हमारे जो एरिया नीड टू बी मॉनिटर्ड हैव बीन इंक्रीज्ड। So ships and submarines are deployed operationally and we are keeping all jo air samudri tat under monitoring. कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि चीनी नौसेना अपने जंगी जहाज पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर तैनात कर सकता है, यानी मुंबई से करीब 1200 किलोमीटर और गुजरात के कांडला पोर्ट से करीब 800 किलोमीटर दूर चीन की नौसेना तैनात रहेगी। ये देश के दो सबसे बिजी बंदरगाह पर चीन के पहरे की तरह होगा। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे मंशा भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करना हो सकता है। इंडिया की सिक्योरिटी जो है उस पूरे रीजन से लिंक्ड है
और यहाँ सिक्योरिटी से मुराद सिर्फ बहुत ही नैरो सेंस में फिजिकल सिक्योरिटी नहीं और स्टेट की सिक्योरिटी नहीं, हमारे वाइटल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया के। चीन अपनी जेब से 46 अरब डॉलर यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके शिनजियांग से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है ताकि उसकी पहुंच सीधे तौर पर अरब सागर में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक हो जाए। चीन और पाकिस्तान का दावा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन को तेल आयात करने का एक रास्ता और मिल जाएगा। चीन दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है और इसका 80% क्रूड ऑयल मलाका खाड़ी से होते हुए शंघाई पहुंचता है, यानी तेल के टैंकर करीब 16,000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जबकि ग्वादर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर ये दूरी 5,000 किलोमीटर तक घट जाएगी। साथ ही पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक उसको अपने उत्पाद पहुंचाने में आसानी मिलेगी। यहां तक ठीक था, लेकिन ग्वादर में चीन के जंगी जहाज और पनडुब्बियों की तैनाती ने दोनों देश के नापाक मंसूबों को सबके सामने ला दिया है। जहां तक भारत का सवाल उठता है तो भारत शुरू से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों का विरोध करता रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाला है। चीन और पाकिस्तान की भारत के लिए साजिश गहरी है और नियत तो कभी ठीक थी ही नहीं। ऐसे में भारत भी चीन पाकिस्तान की समुद्री साजिश को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। वहीं पंजाब के अमृतसर में 2 दिन तक चलने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। सम्मेलन में पाकिस्तान, रूस, चीन, अमेरिका समेत 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आज शाम पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। कल पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान और इसके पड़ोसी देशों के बीच सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य से ये मंच तैयार किया गया है। इस बैठक में अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके और सुरक्षा खतरों से निपटा जा सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। और अब बात अमेरिका के मैक डॉग की। मैक डॉग कहिए या फिर वॉरियर मोक, ये सारे निकनेम अमेरिका के अगले डिफेंस मिनिस्टर बनने जा रहे जेम्स मैटिस के हैं, जिन्हें अपने सख्त रवैये और अजीबोगरीब भाषा के लिए खासतौर पर जाना जाता है, जिन्हें गोलियां चलाने में और लोगों की जान लेने में मजा आता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट की लिस्ट बनाने में जुटे हैं और इस बार ट्रंप ने रक्षा मंत्री के तौर पर जिस जनरल का नाम चुना है वो बेहद खतरनाक छवि रखते हैं। नाम है जेम्स मैटिस। 2 हफ्ते पहले ट्रंप मैटिस से मिले थे और उन्होंने अगले ही दिन उनकी जमकर तारीफ की। ट्रंप ने नए रक्षा मंत्री के नाम का खुलासा करते हुए ट्वीट किया कि रक्षा मंत्री के पद के लिए जनरल जेम्स मैट डॉग के नाम पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद सिनसिनाटी में अपनी थैंक यू रैली के दौरान भी ट्रंप ने मैटिस के अपॉइंटमेंट को लेकर बात की। वो उन्हें प्यार करते हैं, इसलिए हम अगले हफ्ते सोमवार को उनकी घोषणा करने वाले हैं। इसे रहस्य ही रखिए, लेकिन हम ये करने वाले हैं और वो हमारे लिए सबसे बेहतर है। लोग कहते हैं कि वो जनरल जॉर्ज पैटन से काफी मिलते जुलते हैं और ये वक्त की बात है। कई नीतियों और सोच के मामले में जेम्स मैटिस और डोनाल्ड ट्रंप की सोच काफी मिलती जुलती है। 66 साल के जेम्स मैटिस का नाम उनकी पीढ़ी के कुछ सबसे सम्मानित अफसरों में शुमार है और ईरान के खिलाफ पॉलिसी को लेकर वो ट्रंप जैसी ही कट्टर सोच रखते हैं। ट्रंप को इसीलिए मैटिस का नाम इस पद के लिए सबसे सही लगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप फिर से बड़े सपने देखें और इस देश के लिए फिर से साहसी चीजें होंगी। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस नए आंदोलन में मेरे साथ आइए ताकि हम घर में संपन्नता और बाहर शांति ला सकें और विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों पर जा सकें। मैटिस को मैट डॉग के अलावा वॉरियर मोंक भी कहा जाता है। 20 सालों के दौरान जनरल मैटिस ने अमेरिकी सेना के बेहद अहम ऑपरेशंस की अगुवाई की।
वन स्टार जनरल के तौर पर मैटिस ने नवंबर 2011 में अमेरिकी मरीन के कमांडो की अगुवाई की थी। हालांकि मैटिस की रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्ति की राह इतनी आसान नहीं है। अमेरिकी कानून के मुताबिक पिछले 7 सालों के दौरान मिलिट्री में रहे किसी शख्स को सिविलियन पोस्ट पर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में अमेरिकी कांग्रेस तब तक मैटिस के नाम पर मुहर नहीं लगाएगी जब तक कानून में संशोधन न किया जाए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी रिटायर्ड मिलिट्री अफसर को 7 साल के भीतर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। 1950 में जनरल जॉर्ज सी मार्शल को भी इसी तरह अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया गया था। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और चलिए अब आपको कुछ जानकारियां देते हैं जनरल मैटिस के बारे में, और जानते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें क्यों पेंटागन के मुखिया और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर पसंद किया है। मैट डॉग के नाम से मशहूर जनरल मैटिस मिडिल ईस्ट को लेकर ओबामा प्रशासन की नीति के आलोचक रहे हैं। खासतौर पर जनरल मैटिस ईरान नीति की खुलेआम आलोचना करते रहे हैं। मैटिस अपनी सख्त भाषा, ईरान के प्रति अविश्वास और रणनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं। रिटायर्ड मैटिस साल 1991 में हुए पहले खाड़ी युद्ध में एक बटालियन को लीड कर चुके हैं। वो साल 2001 में दक्षिण अफगानिस्तान में एक टास्क फोर्स की कमान भी संभाल चुके हैं। मैटिस 2013 में अमेरिकी सेंट्रल कमान के तौर पर कमांडर के तौर पर रिटायर हुए थे। किसी भी देश में चुनाव हो, चुनावी वादे और हकीकत में बेहद फर्क होता है। तभी तो चुनाव जीत कर आते ही लीडर्स के सुर बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में भी। इलेक्शन कैंपेन के दौरान अमेरिका में क्लास डिफरेंस मिटाने की बात कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट के सदस्यों के तौर पर राजनेताओं से ज्यादा तरजीह कारोबारियों को दे रहे हैं, और इस तरह ट्रंप बनाने जा रहे हैं अमेरिका की सबसे अमीर कैबिनेट, वो भी गरीबों के हितों के लिए। ट्रंप भूल गए अपना वादा, क्लास डिफरेंस मिटाने की बजाय यूएस को मिलेगी अमीर कैबिनेट। अरबपतियों का अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान अमेरिका में क्लास डिफरेंस को खत्म करने का वादा किया था। लेबर क्लास की बात करते करते ट्रंप चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनकी लीडरशिप में अमेरिका अब तक की सबसे रिच कैबिनेट पाने जा रहा है। ट्रंप ने कैबिनेट के सदस्यों के तौर पर जिन नामों पर विचार किया है या जिन्हें वो प्रपोज कर रहे हैं, वो सारे नाम ऐसे हैं जो कारोबार के जगत में काफी रेपुटेड हैं। या तो वो मिलियनर है या फिर बिलियनर। ट्रेड मिनिस्टर के तौर पर ट्रंप की पसंद है जाने माने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर विलियम रॉस। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक रॉस की संपत्ति $2.5 अरब है। एडुकेशन मिनिस्टर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप बेट्सी डेवोस को अपनी पसंद बता चुके हैं। फोर्ब्स के मुताबिक डेवोस की संपत्ति $5.1 अरब है। डेवोस अमेरिका की 88वीं सबसे अमीर महिला है। ट्रंप खुद भी ओवल ऑफिस संभालने वाले सबसे अमीर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। फोर्ब्स के मुताबिक ट्रंप की कुल संपत्ति $4.5 अरब है। इससे पहले सबसे अमीर कैबिनेट अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश की रही है। जॉर्ज कैबिनेट की कुल संपत्ति $17 अरब 10 करोड़ थी, जबकि ओबामा की कैबिनेट में ट्रेड मिनिस्टर रही पेनी प्रिटजकर ही एकमात्र अरबपति बिजनेस वुमेन थी। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट से जुड़ी अब तक की जितनी भी जानकारियां मिल रही हैं, उनके मुताबिक ट्रंप की कैबिनेट में राजनेताओं से ज्यादा कारोबारियों को तरजीह मिलने वाली है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक इसमें वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर से लेकर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और अरबपतियों के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिकन लेखक रॉबर्ट स्पिट्जर का कहना है कि अगर ट्रंप की कैबिनेट में ये नाम शुमार रहे तो ट्रंप की कैबिनेट अमेरिकी इतिहास में सबसे अमीर कैबिनेट होगी। लेकिन ऐसे में ट्रंप के उस वादे का क्या जिसमें उन्होंने अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटने की बात कही थी। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। थाईलैंड के युवराज महावाजीरा लोंगकोर्न ने देश की संसद से उस निमंत्रण को स्वीकार किया है जिसमें उनके राजा बनने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव स्वीकार करते ही वो देश के राजा बन गए हैं। थाईलैंड के पूर्व भूमिबोल अदुल्या देश का निधन 13 अक्टूबर को हुआ था, जिसके बाद से राजा की कुर्सी खाली थी और अब महावाजीरा लोंगकोर्न इस कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं। लेकिन उनके पिता और उनकी इमेज में काफी अंतर है। चलिए आपको मिलवाते हैं थाईलैंड के नए राजा से। जो देश अपनी जिंदा दिली और खुश मिजाजी के लिए जाना जाता था, जहां के लोग अपने राजा
भूमि बोल को भगवान जैसा पूछते थे। लेकिन राजा भूमि बोल के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस महावाजीरा लोंगकर ने राजगद्दी संभाल ली है। अब राजा महावाजीरा लोंगकर चक्री राजवंश के 10वें सम्राट बन गए हैं, लेकिन उन्हें रामा दस के नाम से भी जाना जाएगा। बात थाईलैंड के नए राजा की पर्सनालिटी की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि किंग भूमि बोल की ख्याति थाईलैंड में जितनी पवित्र मानी जाती रही है, उनके उत्तराधिकारी महावाजीरा लोंगकर की इमेज प्लेबॉय जैसी रही है। थाईलैंड के युवराज अपना ज्यादातर समय विदेश में बिताते हैं और अपनी रंगीन मिजाजी के लिए भी जाने जाते हैं। इसी रंगीन मिजाजी के चलते उन्हें अपनी माँ से शाही परिवार को छोड़ने तक की वार्निंग मिल चुकी है। 64 साल के वाजीरा लोंगकर्ण बेहद गुस्सैल और तुनक मिजाज हैं। वो तेज रफ्तार जेट्स के शौकीन हैं। 7 बच्चों के पिता वाजीरा लोंगकर्ण की तीनों शादियां असफल रहीं। साल 2014 में तखत पलट की कोशिश के दौरान उनकी तीसरी बीवी का हाफ नेकेड वीडियो ऑनलाइन जारी हुआ था। महारानी सिरिकीत ने सन 1982 में यूएस दौरे पर अपने बेटे को महिलाओं के पीछे भागने वाला बताया था। महारानी ने बहुत ही कड़े शब्दों में बेटे को अपने रवैये बदलने, नहीं तो शाही परिवार छोड़ने की भी वार्निंग दी थी। इसी साल मई में म्यूनिक एयरपोर्ट पर युवराज की कथित मजिस्ट्रेट के साथ फोटो सामने आई थी, जो काफी वायरल भी हुई थी। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा भूमिपोन अदुन्यदेत की मृत्यु 13 अक्टूबर को हुई थी। थाईलैंड में 7 दशकों के राजनीतिक उथल पुथल के दौरान दिवंगत राजा को एकीकरण करने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता था, लेकिन ऐसी चिंता जताई जा रही है कि उन्हें उनके पिता जितना सम्मान नहीं मिलेगा, जिन्होंने 70 साल तक राज किया। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी भारत दौरे पर आए हुए हैं और वो शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चूंकि कतर भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, ऐसे में दोनों नेता ऊर्जा के रणनीतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा कर सकते हैं। शेख अब्दुल्ला का भारत का ये पहला दौरा है और ये पिछले 2 सालों में दोनों देशों के बीच तीसरा हाई लेवल वाइड लेटरल डायलॉग होगा। और आपको बता दें कि मुलाकात हो चुकी है इनकी और भारत के साथ कतर के साथ बढ़ते रिश्तों को दिखाता है ये चीज़। और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के मार्च 2015 में भारत के दौरे के बाद इस साल जून में प्रधानमंत्री मोदी कतर गए थे और कतर में 6,30,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक काम करते हैं। और आपको बता दूं कि कतर के पीएम से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चल रही है।